राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 28 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर झारखंड की राजधानी रांची आने वाली है। राष्ट्रपति रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसको लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में 6 IPS, 10 DSP, 25 इंस्पेक्टर एवं 20 दरोगा सहित करीब 2000 अतिरिक्त फोर्स लगाए गए हैं। रांची एयरपोर्ट से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक सुरक्षा तगड़ी रहेगी। सुरक्षा में जैप, IIRB, रैफ एवं जगुआर की टीम तैनात की जाएगी। कार्यक्रम के स्थल के आसपास वाहनों की पार्किंग वर्जित रहेगी। पास देकर ही एंट्री मिलेगी। सड़क किनारे लगने वाले ठेले खोमचे को हटाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसे देखते हुए पूरे शहर की निगरानी CCTV कैमरे से की जाएगी। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक टीम तैनात रहेगी, जो शहर की हर गतिविधि पर नजर रखेगी। राजधानी के होटलों और लॉज की चेकिंग की जा रही है।